करते वहाँ तकरीबन 100 के करीब लोगों को यहाँ से मस्जिद, जो मस्जिद में जिनको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, उन सबको उठाकर यहाँ से प्रशासन जो है पुलिस स्टेशन ले गया सर उन्होंने। और जो मैं अल्लाह नाम पे चिल्लाया कि तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का? मुसलमान को मैं पकड़ूंगा, उसे तुरंत गोली मरवा दूंगा, तुरंत डुबवा दूंगा, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन। सभी माताएं बहने मेरे लिए पूज्य हैं, मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूँ। अभी जिस तरह से लगातार पूरे देश से, ख़ासतौर से 5 इलेक्शन के बाद पूरे देश से इस तरह के शॉट्स सामने आ रहे हैं, इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन मस्जिद के बाहर इकट्ठा होते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, अजान से प्रॉब्लम की बात कही जाती है, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम की बात कही जाती है और हंगामा किया जाता है। कई इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं, कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आए हैं कि मस्जिद के अंदर पहुंच करके हंगामा किया जा रहा है और मस्जिद की दीवारों पर चढ़ करके मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा फहराते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज मैं कई इस तरह के वीडियो लेकर आपके साथ उसका विश्लेषण करूँगा और उस पर विस्तार से मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस तरह की जो कार्रवाइयां की जा रही हैं और उस पर पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का खामोश रहना, ना सिर्फ खामोश रहना बल्कि इन आतंकियों को खुली छूट दे करके इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करना, यह दर्शाता है कि इन सब के पीछे सरकार और पुलिस की मिलीभगत है और इसके तहत एक कोई बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है, इसके पीछे एक कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसके तहत मुसलमानों को वरगलाकर मुसलमानों का कत्लेआम करने की एक बड़ी साजिश इस पूरे मामले के पीछे नजर आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि इंटरनेशनल कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए कई बार कहा गया है कि भारत पूरी तरह से आग के ऊपर खड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों का कत्लेआम करने की योजना बनाई जा रही है और यहाँ तक कहा गया है कि 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम भारत में किए जाने की योजना बनाई जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए जिसमें से 4 में बीजेपी ने सरकार बनाई और उसके बाद ये हंगामा और ज़्यादा तेज़ हो गया है क्योंकि अब कई और राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर की बात करें या गुजरात की बात करें, इन सूबों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ा सूबा अगर कहा जाए तो गुजरात है और जम्मू कश्मीर भी, बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है कि 370 हटाने के बाद जिस तरह से वहाँ पर जो माहौल है उसमें अपने आप को सही साबित करना कि हमने 370 हटा करके सही कदम उठाया है और उसके लिए वहाँ पर वोट कराने की बात जो कही जा रही है वो भी एक अहम मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की कवायद, इस तरह की कारकर्दगी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है जो लोगों ने खदशा जाहिर किए हैं कि देश में, भारत में जेनोसाइड की योजना बनाई जा रही है और उस पर संघ और आरएसएस काम कर रहा है। अब मैं कुछ मामले आपके सामने लाना चाहूँगा। एक मामला गुजरात का सामने आया। गुजरात में बोरिया एक जगह है, यहाँ पर एक मस्जिद के बाहर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और उसके बाद पत्थरबाजी की, मारपीट की। मस्जिद में जो लोग मौजूद थे नमाजी, उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पुलिस दंगाइयों के साथ थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, दंगाइयों को ना रोका और ना ही उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई। जब मामला शांत हो गया तो 100 से ज़्यादा नमाजियों को पुलिस उठा करके ले गई और गैर मुस्लिमों पर, दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखिए क्या कहना है वहाँ पर इलाके के लोगों का। ईशा की जब नमाज शुरू हो गई ना, उसके बाद बाहर दंगा शुरू हो गया, यानी पत्थर मारे उन्होंने और जो है गालियां पीटना शुरू किया, आवाज शोर मचाई और डीजे बजाया और तो उन्होंने जो है साधन भी दिखाए, तलवारें, लंगी तलवारें लेकर आए। हमारे 2-3 बच्चे बाहर गए, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया
और पुलिस प्रशासन आई तो उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, वो सब बाहर, हमारे सब बाहर ना निकल पाए और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनका प्रोटेक्शन किया उन लोगों का जिन्होंने दंगा किया। और आखिर में जितने लोग नमाजी थे जिनको कुछ भी पता नहीं है उन लोगों को पुलिस ने जो है टेम्पो गाड़ियां भर भर के वहां तकरीबन 100 के करीब लोगों को यहां से मस्जिद, जो मस्जिद में जिनको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, उन सबको उठाकर यहां से प्रशासन जो है पुलिस स्टेशन ले गए। सब मुस्लिम भाई सब नमाज में बिजी थे तो बाहर से जब नारे आने लगे, बाहर से सब पत्थर आने लगे, उन्होंने फिर हमारे पर आरोप लगाया कि भाई मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारा किया गया। अब मस्जिद में सब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं या पत्थर लेके आते हैं? स्वाभाविक बात है, जब मुस्लिम आदमी रमजान के अंदर एक कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। दूसरा मामला, अभी करौली में जिस तरह से दंगा हुआ और वहां पर जिस तरह के दृश्य सामने आए कि पुलिसकर्मी खुद दंगाइयों के साथ हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों के मकानों को जो आग लगाई जा रही है पुलिस वहां पर मौजूद है और दंगाइयों के साथ खड़ी नजर आ रही है, वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन एक और वीडियो अभी सामने आया है, वायर के जरिए एक स्टोरी की गई है और उसमें एक लड़का ऑन रिकॉर्ड ये बयान देता हुआ नजर आ रहा है वायर को कि हमें 24 घंटे तक जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद हमसे ये कहा कि तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाने में क्या दिक्कत है। उससे नारा लगाया, उसकी पिटाई की गई, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया है। पहले मैं उस लड़के की बाइट सुनवाना चाहूँगा। रादा सर उन्होंने, और जो मैं अल्लाह नाम पर चला कि तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुसलमानों का, और यहाँ रहना तो जय श्री राम के हो, और ये क्यों दंगा फसाद करवा रहे हो तुम्हारी वजह से सब? ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपसे कहा? हाँ। और तुम्हें तो 20-20 साल की सजा दिलवाएंगे, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, बच्चों को इतना डराया धमकाया बहुत ज्यादा। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, राजस्थान में करौली पुलिस ने एक 14 वर्षीय मुस्लिम लड़के को रात भर पीटा और उसे पूछा कि उसे कौन रोक रहा है जय श्री राम कहने से। @AshokGehlot पुलिसकर्मी को तुरंत लंबित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके युवा नेता दूसरे प्रदेशों में आंदोलन के लिए निकल आते हैं, यहाँ पर गायब क्यों हैं? अब हिंदू बनाम हिंदुत्व का प्रवचन नहीं होगा। ये आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत को ये कहते हुए घेरने की कोशिश की है कि आपके युवा नेता जब कहीं पर कोई जुल्म होता है किसी दलित के साथ, खास तौर से चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे में उनका एक ट्वीट ना आना, उस पर कोई सवाल खड़ा ना करना, ये दर्शाता है कि उन्हें मुसलमानों से कितनी हमदर्दी है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुनि बजरंग मुनि जो है उसका वीडियो, वो किस तरह से मुसलमानों की महिलाओं को उठाकर बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और इस मामले में काफ़ी हंगामा सोशल मीडिया पर होने के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर पुलिस नज़र आ रही है। इस वीडियो को आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो आपको नहीं सुनवाना चाहूँगा और इस तरह की लैंग्वेज चलाने भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, माई योगी आदित्यनाथ कहाँ गई आपकी ठोक दो की पॉलिसी, अमित शाह अपनी दूरबीन उठाइए और दर्शन कीजिए अपने नए भारत का, जहाँ सच झूठ धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाने के बजाय महंत बलात्कारी बयान दे रहे हैं। कट्टरपंथी तत्वों को सरकारी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। @Akhilesh Yadav आप तो चुनाव से पहले भी चुप थे, तब भी आपको 80% से अधिक मुसलमानों ने वोट मिले, जब चुप्पी साधने से ही काम चल रहा है तो अपनी जबान को जहमत देने की क्या ज़रूरत है। इस वीडियो के ऊपर ओवैसी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि अमित शाह और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको भी घेरने की कोशिश की है।
और इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव से लगातार सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को उठा करके उनका बलात्कार करने की बात कही जा रही है और आप उस पर खामोश हैं, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ आपको वोट चाहिए मुसलमानों का, आपको मुसलमानों के मसाइल हल नहीं कराने हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर सवाल हो रहा है उन 34 मुस्लिम MLA से भी उत्तर प्रदेश के, जिनको जिता करके मुसलमानों ने असेंबली तक पहुंचाया है, कि वो भी खामोश हैं। और एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा गया है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी, जो उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक इलेक्शन से पहले गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते रहे कि अपनी लीडरशिप पहुंचाइए, ऐसे लोगों को पहुंचाइए जो आपके इश्यूज को असेंबली में उठा सकें, तो उनकी बात कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस मुनि के जरिए कोई इस तरह का विवादित बयान दिया गया हो, बल्कि इससे पहले भी कोरोना काल में भी वो मस्जिद को निशाना बना करके इस तरह का वीडियो वायरल कर चुका है और प्रशासन को धमकी देते हुए उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि हम इन मुल्लों को गोली मारेंगे। सुनिए ये वीडियो। इसलिए मैं डूबे कुमार को, क्योंकि इसका कारण ये है कि यह तो शासन प्रशासन हमें भी मस्जिद में हंगने के लिए, मूतने के लिए परमिशन दे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कानून मंत्री महोदय जी से, उच्च न्यायालय से, DGP महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पर सख्त से कार्रवाई हो, नहीं तो मैं 5 हत्याएं बहुत ही तात्कालीन, जिस मुसलमान को मैं पकड़ूंगा उसे तुरंत गोली मरवा दूंगा और तुरंत डुबवा दूंगा, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अब जब काफी हंगामा हो गया, इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद, अपना काम करने के बाद, पुलिस अभी तक ये कह रही है कि वीडियो की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, BJP की सरकार है, राम राज्य है, राम राज्य में ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, इन पर कोई एक्शन लेना राम राज्य में ज़रूरी नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया जाता। अगर इसके अलावा कोई सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ या मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसको तुरंत रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसमें किसी तरह की जांच की, उसमें किसी तरह के कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। अब जब ये सारा मामला काफ़ी सुर्खियों में आया है तो शायद उसको कुछ सलाहकारों ने मशवरा दिया है कि मामला गड़बड़ हो गया है, पुलिस वालों के जरिए ही शायद इसको समझाया गया हो कि अब अगर तुमने ऑनलाइन माफ़ी नहीं मांगी, मीडिया में आकर के माफ़ी नहीं मांगी, तो तुम्हारी स्थिति ख़राब हो सकती है, तुमने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आते हैं और अब तुम्हारी गिरफ्तारी तय है, तो ऐसे में ये सामने आया है और गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं, मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, जहां पर नीतीश की सरकार है, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन राज्यों में इस तरह की, और कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में इस तरह की गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। बिहार के वैशाली ज़िले की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहां पर हाजीपुर की एक मस्जिद के मीनार से ऊंचा करके झंडा लगाया जा रहा है। झंडा लगाने वाला है राजीव भ्रंशी, इसने पूरे ज़िले में 30,000 झंडे लगाने का दावा किया है। जाहिर सी बात है, झंडा लगाइए, मस्जिद की मीनार से 4 गुना ऊँचा झंडा लगाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जानबूझ करके मुस्लिम इलाके में मस्जिद के सामने आकर के हालात को ख़राब करना, पत्थरबाजी करना, जय श्री राम के नारे डेक पर लगाना, ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त या नमाज के वक्त इस तरह का हंगामा करना, ये कहीं ना कहीं वरगलाने की। अल्लाह का
इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक मामला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जैसे ही अजान शुरू होती है, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अगला वीडियो कर्नाटक से है। कर्नाटक के कोलार के गुलबोगल में मदीना मस्जिद के पास मॉब रुकता है, तेज आवाज में डैग बजाया जाता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है और पत्थरबाजी की जाती है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है। 2 बजे शुरू होनी थी जो रैली, वो जानबूझ करके लेट की जाती है ताकि वक्त हो जाए अफ्तार का, और अफ्तार के वक्त हंगामा किया जाए, और अफ्तार के वक्त तक इंतज़ार करने के बाद शाम होते ही ये तूफान बदतमीजी शुरू हो जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरी वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा इंदौर की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, वहाँ पर भगवा फहराया जाता है एक मस्जिद के सामने। देखिए वीडियो। तो ये थे कुछ वीडियो के ज़रिए जिनके ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से मुसलमानों को वरगला करके दंगा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि करौली में हुआ, राजस्थान के करौली में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के इस तरह के नारे लगाए गए, इस तरह के म्यूज़िक बजाए गए जिससे मुसलमान इश्तियाल में आ गए, और उसके बाद मुसलमानों ने जब हमला किया और उसके बाद देखने में आया कि बाद में कर्फ्यू के दौरान किस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को, दुकानों को और मकानों को जलाया गया और पूरी तरह से उनको लूट करके बर्बाद कर दिया गया। फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश दंगे में हमेशा हिंदूवादी संगठनों की रहती है कि मुसलमानों को कारोबारी तौर पर तोड़ दो ताकि वो इलाका छोड़ करके कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाए। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।